हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर युगंधरा। तो आज हम देखेंगे विंटर हेयर केयर रूटीन। बहुत सारे पेशेंट में विंटर में हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी हो जाते हैं, तो आप उसके लिए कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं? विंटर में आपके हेयर्स फ्रीजीनेस से बचने के लिए आप रिवर्स कंडीशनिंग कर सकते हो। तो रिवर्स कंडीशनिंग आपको कैसे करना है? हफ्ते में एक या दो बार आपको आपके शाफ्ट से ऊपर आपको कंडीशनर लगाना है, और तो उसके बाद आप रिवर्स कॉम्बिंग भी कर सकते हो, तो उससे आपके हेयर्स फ्रीजी एंड ड्राई डैमेज नहीं लगेंगे। विंटर्स में आपको लिव ऑन हेयर सीरम भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपको कंडीशनिंग का इफ़ेक्ट मिल सकता है। वो लिव ऑन हेयर सीरम आप हफ्ते में एक बार या दो बार आप लगा सकते हो। विंटर्स में आपको हार्ड शैम्पूज यूज़ नहीं करने, उसके लिए आपको प्रोटीन बेस्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। विंटर में बहुत सारे लोगों का स्कैल्प ड्राई डैमेज और स्केली होता है, और उससे इचिंग का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो आप इचिंग से बचने के लिए और डैमेज से बचने के लिए आप हॉट ऑयल मसाज ले सकते हो। आप हफ्ते में एक बार या 15 डेज में एक बार हॉट ऑयल कोकोनट मसाज कर सकते हो, तो उसके लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लगा सकते हो, लेकिन वो आपको ऑयल पूरी रात नहीं रखना, उसके लिए आप 2 घंटे शैम्पू से पहले ऑयलिंग कर सकते हो। विंटर में सन एक्सपोजर होने की वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी रह सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली सनलाइट या सन एक्सपोजर आपको अवॉइड करना है। वो भी आप आफ्टरनून 12 PM से आप 4 PM तक वो सनलाइट अवॉइड कर सकते हो। उसके लिए आपको स्कार्फ्स या आप हैट यूज़ कर सकते हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।